भारत में बैंगन की कई सारी वेराइटी है, जैसे भरता बैंगन, व्हाइट बैंगन, गोल ग्रीन बैंगन, जापानीज बैंगन, इटालियन बैंगन और लंबे बैंगन, जिनकी खेती ज्यादातर किसान भाई करते हैं। अगर बैंगन की खेती सही तरीके से की जाए तो आप बैंगन की फसल से कई ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बैंगन की फसल किसान भाइयों के लिए कितने फायदे का सौदा, यह जानते हैं इस वीडियो में आके। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो में एक एकड़ बैंगन की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि बैंगन की टॉप 5 वेराइटियाँ कौन सी है जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब इन टॉप 5 वेराइटी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बैंगन की खेती आप सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। तो यह जो आपका सवाल होता है कि बैंगन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सही है, तो आप सभी तरह की मिट्टी में बैंगन की खेती कर सकते हैं। सिर्फ आपके खेत की मिट्टी उपजाऊ होना चाहिए और मिट्टी का पीएच मान 5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अब हम पहले पॉइंट पर आने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट, लागत पर। एक एकड़ बैंगन की खेती में हमारी कितनी लागत आती है? एक एकड़ बैंगन की खेती में हमारे बीज की मात्रा लगती है 150 ग्राम। वह बैंगन के 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 125 रुपए के आसपास रहती है। इस तरह हमारा एक एकड़ बैंगन की खेती में बीज का खर्च आएगा 1875 रुपए। खेत की तैयारी का हमारा खर्च आएगा 3500 रुपए। देसी गोबर की खाद का हमारा खर्च आएगा 4500 रुपए। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च आएगा 2800 रुपए। वाटर सोल्यूबल खाद का हमारा खर्च आएगा 5000 रुपए। इस तरह हमारा पूरे फर्टिगेशन शेड्यूल का खर्च आएगा 7800 रुपए। बैंगन की फसल में कई सारे कीटों का अटैक देखने को मिलता है, जैसे एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, फल छेदक, तना छेदक। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तना छेदक कीट का अटैक हुआ है। अब इन जैसे कीटों से हमारी फसल को बचाने के लिए हम हमारी फसल पर स्प्रे करते हैं, तो हमारे स्प्रे शेड्यूल का कुल खर्च आएगा 6500 रुपए। आप जैविक तरीके से भी अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं। किस तरह से करना है यह जानेंगे प्रॉफिट निकालने के बाद। बैंगन के पौधों की ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 2000 रुपए। आप पौधे से पौधे के बीच की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी 2 फीट ही रखें। निराई गुड़ाई का हमारा खर्च आएगा 3500 रुपए। बैंगन की तुड़ाई के लिए हमें लेबर की जरूरत लगेगी, जिसका हमारा खर्च आएगा 6000 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4000 रुपए। इन सब खर्च को जोड़कर एक एकड़ बैंगन की खेती की हमारी लागत आएगी 39675 रुपए। लागत निकालने के बाद में अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन पर। एक एकड़ बैंगन की खेती से हमें कितना उत्पादन मिलता है? बैंगन की फसल से हमें उत्पादन ट्रांसप्लांटिंग के 50 से 55 दिन के बाद में मिलना शुरू हो जाता है और 3.5 से 4.5 महीने तक हमें उत्पादन मिलता है। अगर आपकी बैंगन की फसल रोग व कीट मुक्त है और आपने प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल और फर्टिगेशन शेड्यूल को फॉलो किया है, तो आप एक एकड़ बैंगन की खेती से मैक्सिमम 150 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। और अगर आपकी फसल पर फल छेदक कीट का अटैक हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फल छेदक कीट का अटैक है, तो आपका उत्पादन सीधा प्रभावित होगा और आपका उत्पादन मिनिमम 100 से 125 क्विंटल के आसपास होगा। यानी कि एक एकड़ बैंगन की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 100 क्विंटल। आप बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बैंगन के पौधे की कटाई व छटाई अवश्य करें। लेकिन कटाई व छटाई कब करना है, इसका सही समय आपको पता होना चाहिए। तो आपको कटाई व छटाई ट्रांसप्लांटिंग के जब बैंगन का पौधा पहली फ्रूटिंग देना शुरू कर दे, तब आप बैंगन के पौधे की कटाई व छटाई करें। आप बैंगन के पौधे की निचली सतह की पत्तियों को काट दें और ऊपर की पत्तियों को छोड़ दें, जिससे हमारा बैंगन का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता रहे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमारा बैंगन का पौधा भोजन ग्रहण करता रहे। इसके बाद में आप बैंगन के पौधे की मेन ब्रांच को ऊपरी सिरे से काट दें। इस तरह से आपके जब सेकेंड ब्रांच आएगी तो आपकी वी के आकार की ब्रांच बनेगी। इस तरह से आप बैंगन के पौधे में अपना उत्पादन को 1.5 से 2 गुना तक बढ़ा सकते। लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, समय पर। एक एकड़ बैंगन की खेती की समय साइकिल कितनी? आप बैंगन की नर्सरी 2 सीजन में लगा सकते, गर्मी और बरसात।
गर्मी के सीजन में बैंगन की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय फरवरी व मार्च का महीना है व बरसात के सीजन के लिए आप जून जुलाई अगस्त के महीने में बैंगन की नर्सरी लगा सकते। भारत के कई सारे राज्यों में बैंगन की नर्सरी ठंड के सीजन में भी लगा सकते नवंबर और दिसंबर के महीने में। लेकिन जिन राज्यों में ठंड ज्यादा गिरती है वहां पर आप ठंड के मौसम में बैंगन की नर्सरी तैयार ना करें। बैंगन का बीज जर्मिनेशन के लिए 10 से 15 दिन का समय लेता है व बैंगन की नर्सरी 4 से 6 वीक में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। ट्रांसप्लांटिंग के 50 से 55 दिन के बाद में आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलती है जो कि मिनिमम 3.5 से 4 महीने तक चलती है। इस तरह हमारे 1 एकड़ बैंगन की खेती की समय साइकिल 6 से 6.5 महीने। लागत उत्पादन समय के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट आमदनी पर। 1 एकड़ बैंगन की खेती से हमारी कितनी आमदनी होती है? हमने बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट अप्रैल के महीने में किया था और बैंगन की नर्सरी 20 फरवरी के आसपास लगाई थी। हमारी बैंगन की फर्स्ट हार्वेस्टिंग मई के महीने में चालू हुई थी और हमें उस समय 40 रुपए किलो बैंगन का मंडी थोक भाव मिला था और अभी बैंगन का मंडी थोक भाव हमें 10 रुपए किलो मिल रहा है और दिवाली के आसपास बैंगन का मंडी थोक भाव 60 रुपए किलो के आसपास मिलने की भी उम्मीद है। पर हम एवरेज मंडी थोक भाव लेते 15 रुपए किलो। हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल व 1 कुंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 15 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1 एकड़ बैंगन की खेती से हमारी आमदनी हुई 1,50,000 रुपए। अब आते हैं हमारे पांचवे और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 1,50,000 रुपए और लागत आई थी 39,675 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 1,10,325 रुपए और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज रहा 278%। अब हम बात करते हैं कि बैंगन की टॉप 5 वेराइटियाँ कौन सी है जिनसे हम अच्छा उत्पादन ले सकते। हमारी पहली वेराइटी है वीएनआर उत्कल। इसके अलावा आप वीएनआर की 212 का भी चुनाव कर सकते हैं। सनग्रो में आप प्रगति के सीड्स ले सकते हैं गोल बैंगन के लिए व लंबे बैंगन के लिए आप सनग्रो ब्लैक डायमंड के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा गोल बैंगन में आप कलश कंपनी की जनक का भी चुनाव कर सकते हैं। आप बैंगन की खेती में उस कंपनी के सीड्स का चुनाव करें जिसका आपके यहाँ पर अच्छा मार्केट है। अगर आपके यहाँ पर गोल बैंगन का अच्छा मार्केट है तो आप गोल बैंगन का ले, और अगर आपके यहाँ पर लंबे बैंगन का अच्छा मार्केट है तो आप लंबे बैंगन के बीजों का चुनाव करें। हमने यहाँ पर लंबे बैंगन के बीजों का चुनाव किया है क्योंकि हमारे एरिया में लंबे बैंगन के बीजों का अच्छा मार्केट रहता है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि हम जैविक विधि से कीटों पर किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप जैविक विधि से कीटों को नियंत्रण करने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है कि आप किस तरह से बैंगन की फसल में थ्रिप्स, फल छेदक, तना छेदक कीटों को जैविक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। बैंगन की फसल से और अधिक आमदनी लेने के लिए आप बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमारे एरिया में बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग सबसे ज़्यादा फेमस है और किसान भाई इससे कई गुना लाभ कमाते हैं, तो आप भी बैंगन की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग अवश्य करें। अगला विश्लेषण, आप कौन सी फसल का देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।